दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। खास इसलिए नहीं कि हम लोग ये वीडियो आज पोर्ट्रेट मोड में बना रहे हैं, बल्कि यहाँ पे आज कुछ खास करने वाले हैं। यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं क्राइसेंस ब्रांड की तरफ से आने वाले इस 7.1 होम थिएटर को अनबॉक्स करके रिव्यू करेंगे और बताएंगे क्या ये आपको लेना चाहिए या नहीं। तो वीडियो होने वाला बहुत ही धमाकेदार, तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, डंडा शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही आप अनबॉक्स करते हो तो यहाँ पे आपको 7 स्पीकर का सेटअप देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ ही साथ आपको एक सबवूफर भी दिया गया है। इसी के साथ ही साथ एक रिमोट कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है और ऑक्स केबल, वारंटी कार्ड और एक यूजर मैनुअल। बात कर लें आप इस प्रोडक्ट के बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। फ्रंट के साइड आपको प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक देखने को मिल जाएगा, और बात कर लें यहाँ पे पीछे साइड में, तो यहाँ पे आपको वुडन का फिनिशिंग देखने को मिलने वाला है। जो स्पीकर्स दिए गए यहाँ पर भी आपको सेम मटेरियल देखने को मिलने वाला है जो यूज किया गया है सब वूफर में। और पीछे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक स्क्रू के जरिए आप यहाँ पे इसको माउंट भी कर सकते हो वॉल पे, और सेटअप बहुत ही बढ़िया बन जाने वाला है। और बात कर लें यहाँ पे कुछ कनेक्टिविटी और पोर्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने मिल जाएगा यूएसबी का पोर्ट। तो यहाँ पे आप यूएसबी कनेक्ट करके सॉन्ग वगैरह प्ले कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ बटन्स भी दिए गए जिससे आप प्ले पॉज कर सकते हो। मोड्स दिए गए हैं जिसमें ऑक्स मोड, एफएम मोड, और इसी के साथ ही ब्लूटूथ मोड आपको देखने मिल जाएगा। प्रीवियस नेक्स्ट का बटन दिया गया है। यहाँ पे आप बेस का भी बटन आपको देखने मिल जाएगा जिसके थ्रू आप कम ज्यादा कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेबल का भी ऑप्शन दिया गया है, और सेंटर में आपको मिल जाता है वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए एक पूरा नॉब। और बात कर ले बैक साइड्स के पोर्ट्स के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने सारे जो स्पीकर से इसी पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट किया है। और यहाँ पे नीचे आपको मिल जाता है ऑडियो इनपुट के पोर्ट्स, और यहाँ पे आप कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का भी बटन दिया गया है जिसके थ्रू आप इस सबवूफर को ऑन ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने इस होम थिएटर को ऑन कर लिया है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे LED दी गई है ब्लू कलर की जो जल रही है, और देखने में बहुत ही बढ़िया लगती है, लुक इसका और भी दुगना कर देती है। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हो, तो यहाँ पे मैंने ब्लूटूथ मोड सेलेक्ट किया है, और इसको फोन से पेयर करना बहुत ही आसान है। जस्ट आपको ऑन करना है आपके फोन का ब्लूटूथ और पेयरिंग करके बस और सेलेक्ट करना है, दैट्स इट। सिंपल है, बहुत ही इजी है। और अब यहां पे आपको एक डेमो देता हूं कि कैसी है इसकी साउंड क्वालिटी, कैसी है इसकी ऑडियो क्वालिटी। यहाँ पे हम सभी ने सुना कि इस होम थिएटर के जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है, और जो बेस और ट्रेबल है बहुत ही बढ़िया तरह से काम करता है। जहाँ पे आपको ये दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा, और साउंड क्वालिटी इस होम थिएटर की बहुत ही जबरदस्त है। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या ये होम थिएटर आपको लेना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन होगा आपको ये जरूर कंसिडर करना चाहिए। इसका रीजन होगा, कुछ रीजन होगा। यहाँ पे पहला रीजन, यहाँ पे आपको 7.1 होम थिएटर चैनल ये प्राइस पॉइंट है, मतलब 2400 रुपये के आसपास आई डोंट थिंक कोई भी ब्रांड देता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो इसका साउंड क्वालिटी है, साउंड आउटपुट है, बहुत ही बढ़िया है। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है अगर आप टीवी के साथ कनेक्ट कर देते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। मैं पर्सनली तोशिबा U50 के साथ कनेक्ट करके ऑक्स केबल से थ्रू से कनेक्ट करके एक्सपीरियंस किया, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। और यहाँ पे क्राइसेंस एक इंडियन ब्रांड है, और हमें एक इंडियन ब्रांड को सपोर्ट भी करना चाहिए। तो ये सारे रीजंस हैं जिसको वजह से आपको कंसीडर करना चाहिए। अमेजोन से आप परचेस कर सकते हो, इसकी जो बाइंग लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और इसी के साथ ही साथ कुछ लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे डॉल्बी का एक्सपीरियंस, तो ये जो होम थिएटर है डॉल्बी एनेबल्ड नहीं है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस या फिर डॉल्बी की जो भी साउंड क्वालिटी होती है या फिर साउंड टेक्नोलॉजी, वो आपको इस होम थिएटर में देखने नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन मत रखना, और ये प्राइस पॉइंट में आपको दूसरा कोई भी ब्रांड नहीं देता, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखते। और वीडियो को अब यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही धमाकेदार कंटेंट के साथ। तो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय।